हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसकी मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में मिल जाएगा, तो उस पर ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ, लेटेस्ट मोबाइल कोई भी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो है डॉल्फिन के ऊपर। मुझे बहुत कमेंट आए थे कि डॉल्फिन की वीडियो, डॉल्फिन किकिंग कैसे करते हैं, डॉल्फिन स्विमिंग कैसे करते हैं, डॉल्फिन के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज का पार्ट मेरा स्पेशल डॉल्फिन के ऊपर है, पानी के अंदर पानी के बाहर सारी टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप मेरी वीडियो अपने चैनल पर डालनी चाहते हो तो डाल सकते हो, बस मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। मेरी वीडियो आपका अपने चैनल पर डालोगे तो क्या होगा कि किसी और को भी स्विमिंग आ जाएगी, स्विमिंग सीख लेगा, बस यही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉल्फिन में बाहर एक्सरसाइज कौन सी करनी है। आपने एक्सरसाइज बताने वाला हूं मैं, जो कि डॉल्फिन से पहले करनी है, मतलब कि जो बाहर करनी है। क्या करना है, आपने हाथ ऊपर करना है, सिर्फ कमर को आगे पिछड़ना है, अप डाउन ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपने। उसके बाद ये आ जाएगी वेव में, ठीक है। जैसे कि इसमें तो सिर्फ कमर आगे पीछे करनी है, उसके बाद क्या करना है आपने, कमर को वेव में लेना है, ऐसे वेव, ठीक है। ये वाली चीज़ की आपने एक्सरसाइज करनी है। इसको आप दीवार के साथ भी खड़े होकर कर सकते हो। दीवार के साथ कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। इसके साथ कैसे करना है मैं एक बार आपको दूर जाके करके दिखा दूँ, मेरा साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज सेम ही है, ठीक है। जैसे कि जो मैंने कमर की बोली है, कमर से अप डाउन से इसी तरह बेब आई, ठीक है। बेब दीवार के साथ इनसे दूर रहना, एक इंच दूर रहना है। उसके बाद बेब टच बैक, टच नीज तक होनी चाहिए, नीज तक टच होनी चाहिए, ठीक है, टच, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह बैक में, ठीक है, बैक टच यही चीज़ आपने एक्सरसाइज करनी है, कमर की अप डाउन अप। उसके बाद वेव आ जाएगी अपने आप, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको ऑटोमेटिक जो फुटवर्क है वो ऑटोमेटिक सही चलेगी। और दूसरी बात क्या करनी है, मैं आपको फुट में भी दिखा देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने पैरों को कैसे रखना है। पैरों को आपने दोनों ज्वाइंट रखने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पैर ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और साथ में जोड़ के रखना। अगर आप इतना गैप भी रखोगे तो प्रेशर कम बनता है, जिसके कारण आपका जो फ्लो होता है, स्पीड होती है, वो थोड़ी स्लो रहेगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं पानी में दिखाता हूँ, अगर कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करें। और डॉल्फिन पे ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे, मैं कहा चलो एक बार वीडियो बना ही देते हैं। तो चलो अब पानी के अंदर दिखा, डॉल्फिन की बात करते हैं। तो डॉल्फिन आपको मैं बाहर से बता देता हूँ, अगर आप इसकी खूब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कमर अच्छी चलेगी। हालांकि मेरी इतनी प्रैक्टिस है नहीं, पर मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि कमर आपकी चलनी चाहिए, जो कि मैंने बाहर स्टार्टिंग में बता दिया। पानी के अंदर थोड़ा पानी ऐसा ही था, समझ लो। तो ये स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सेम आपने इसकी अप्लाई करनी है, जैसे आप करते जाओगे धीरे धीरे आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा गैप इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि मैं जो डॉल्फिन कर रहा हूँ बहुत स्लो कर रहा हूँ, मैं वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी आ जाएगी, ठीक है। शुरू से मैंने जो प्रैक्टिस दिखाई है वो आप चेक कर सकते हो। ये पानी के अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं कमर का बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर की एक्सरसाइज आप जितनी बाहर करोगे उतना बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई कमी रहती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने पानी के अंदर से दिखा दिया आपको अच्छे से, आई होप कि समझ में आ गए हो। अब मैं आपको पानी के बाहर से भी दिखा देता हूँ। डॉल्फिन करते समय एक चीज़ बता दूँगी, अगर आप पुश लेके करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अगर आप ऐसे ही जाते हो तो आपको थोड़ा मतलब कि पावर खुद ही करनी पड़ेगी, जब तक आप स्टार्ट होगे तब तक दौड़ फिर खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में पुश लेके ही दीवार के साथ करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पतली साइड से मैं पुश नहीं ले रहा हूँ, मैं डॉल्फिन ऐसे कर रहा हूँ, पर मुझे आती है तो मैं इसी हिसाब से स्टार्टिंग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं चेक कर सकते हो, डॉल्फिन आपने सेम वैसी करनी है जैसे कि डॉल्फिन करती है, मतलब कि डॉल्फिन मछली देखिए ना, सेम वैसे करनी है। हालांकि अगर आप रेस में यूज़ करते हो उसमें आगे वाला पोर्शन कम हिलता है और मेन कमर से नीचे पोर्शन बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ना कुछ समझ में आए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं जो शूट दिखाऊंगा ये बाहर से दिखाने वाला हूँ सारे के सारे, आप बाहर से देख सकते हो कि कमर मेरी पैर दोनों ज्वाइंट है, जो कि मैंने वीडियो में बताया स्टार्टिंग में। तो ये साइड टर्न करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। जितनी तेज़ आपकी कमर चलेगी उतनी तेज़ ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इसके आपने मूवमेंट करने की आपने कितनी बार किकिंग की है, ये बात आपने नोट रखनी है कि आपने किकिंग कितनी बार की है। और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं तो इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं शॉप पे बैठा हूँ, माल पैन की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत हो रही है, मेरे बैकग्राउंड में शोर बहुत है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किकिंग की वीडियो एकदम जेन्युइन दे सकूँ। तो अभी मैं पानी के अंदर से आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब मैं फ्रंट में आऊँगा, मतलब कि कैमरे की तरफ आऊँगा, और कैमरे से आपको फुटवर्क की भी दिखेंगे आपको दोनों साइड से, ठीक है। पहले तो आपने साइड से देख लिया, अब आपको फ्रंट से दिख जाएगा कि डॉल्फिन करते समय हम कैसे मूवमेंट करेंगे। चलो फ्रेंड्स,
चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, डॉल्फिन में मैं कैसे आगे आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम बैक जाऊँगा मैं, तो बैक में भी आप चेक कर लेना। डॉल्फिन में जब बैक जाते हैं देखो उसको, कमर को आपने पैरों को जोड़ के रखना है, पैर खुले रखोगे तो बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, तो मैंने थोड़े पैर अलग इसलिए कर दिए थे क्योंकि बीच में जो मैं पैरों को पुश मारता तो बुलबुले उठ जाते थे और आपको कुछ नहीं दिखता। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी फ्री स्टाइल में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फ्री स्टाइल की, सांस कैसे लें। बाकी डॉल्फिन में मैंने कोशिश की है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, और डॉल्फिन इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप बाहर प्रैक्टिस करते हो तो पानी के अंदर आपको ऑटोमेटिकली सही चलने लग जाएगी। और बैक की डॉल्फिन भी सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं होता अगर आपने उल्टी डॉल्फिन करनी है या सीधी डॉल्फिन करनी है। डॉल्फिन सीधी रहती है, गहरे पानी में अगर आपकी डॉल्फिन बहुत अच्छी है तो आप गहरे पानी में एक जगह खड़े होकर भी डॉल्फिन कर सकते हो। ठीक है, मैं काफ़ी जने पूछते हैं गहरे पानी में कैसे रहे, गहरे पानी में कैसे रहे, तो ये मूवमेंट आप गहरे पानी में खड़े रह के भी कर सकते हो। ठीक है, जितना आप डॉल्फिन में ऊपर और नीचे तक लेके जाओगे उतना बेनिफिट रहेगा, उतनी स्पीड बढ़ेगी और जितनी फास्ट करोगे। तो एक बार आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, ये तो आपको अंदर से मैंने दो बार शूट करके दिखा दिया, आई होप कि आपको पानी के अंदर से समझ में आ गया कि पैर कैसे चलाने हैं। तो ये चेक कर सकते हो बैक के लिए, मतलब कि जो इसे बैक के लिए होती है ना, तो बैक में थोड़ा रहता है कमर के लिए, तो ये मैंने करके दिखा दिया आपको कि आपको बैक में और सीधी आपको कैसे करनी है। पर जब हम समर शॉट मारते हैं तो हम टर्न होते होते डॉल्फिन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैंने टिप्स जो देनी थी वो सारी दे दी। मेन इसका काम है सिर्फ कमर का, तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि आपने कमर सही चलानी है। ठीक है, बाकी आपको फिर भी कुछ ना समझ आए तो मैं तो बैठा ही हूँ, कमेंट जरूर कर देना मुझे। और बस फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बस म्यूज़िक लगा के दिखा देता हूँ कि डॉल्फिन आपने कैसे करनी है, पर ऐसे हल्की हल्की मत करना। अगर आप ऐसे हल्की हल्की करोगे तो आपकी बॉडी आगे नहीं जाएगी और आपको दिक्कत आएगी, आपकी सांस जल्दी फूल जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा बहुत स्टैमिना है तो मैं कर लेता हूँ। अभी मैंने बिना हाथ के किया, बिना हाथ के क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो समझ सकते हो। अभी ये सारे शूट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप देख के भी थोड़ा बहुत सीख सको। टर्न मूवमेंट है जो कि आपको इसमें मूवमेंट में सही, बल्कि डॉल्फिन जो दिखती है वो एकदम सही दिखती है, इसमें तो थोड़ा पता नहीं चलता कि कमर कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही। तो बस चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो, टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करते रहो, और आज के लिए इतने काफ़ी है, वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो में गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। लेग्स मूवमेंट मेरी ज़्यादा फोल्ड हो रही है, आपने इतनी भी फोल्ड करनी क्योंकि मैं दोपहर में वीडियो बना रहा था और मैं थक चुका था। तो फ्रेंड्स, अब मेरे लिए कुछ नहीं है, और डॉल्फिन की वीडियो की डिमांड बहुत थी और मैंने डॉल्फिन की वीडियो बना दी है। थैंक यू वॉच द वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो के एंड में भी कुछ टिप्स मैं आपको दे दूँगा। हाँ जी सर, फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डॉल्फिन की प्रैक्टिस, आप जितनी करोगे उतना ही आप सुधरते जाओगे, और जो मैंने डॉल्फिन सिखाने की कोशिश की आई होप कि आपको सारी डॉल्फिन आगे होगी। अगर डॉल्फिन की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को हम एम रखते हैं कि 500 लाइक आ जाए तो बढ़िया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डॉल्फिन में पैर हमेशा ज्वाइंट रखना, थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी कमर और लचकीली हो जाएगी ना, तो बेनिफिट रहेगा। बस यही चीज़ थी आजकल डॉल्फिन में, बड़ी आसान डॉल्फिन है, डॉल्फिन की कोई रेस नहीं होती। वैसे डॉल्फिन सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ होती है, जब हम डाइविंग मारते हैं तभी यूज़ होती है, और बैक में और सब में यूज़ होती है, बस सिवाय ब्रेस्ट स्ट्रोक में। ब्रेस्ट में डॉल्फिन की सिर्फ एक किक बजती है, उसके बाद ब्रेस्ट डॉल्फिन अलाउड नहीं होती, बाकी सब में डॉल्फिन चलती है। फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक में डॉल्फिन चलती है, तीनों में तो खूब चलती है। तो बस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में थोड़ा धुंधला है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, साउंड क्लैरिटी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है मुझे माफ़ कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, आज के लिए इतने काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक के ग्रुप है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सअप का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का ग्रुप है, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, और फेसबुक पेज का लिंक है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, हैशटैग जरूर लगाना साथ में। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो।
क्या बता रहा है अपना निकल रहा है।